अध्यक्ष महोदय, बजट अनुपूरक बजट पर हमारे माननीय सदन के सदस्य प्रदीप यादव जी, सुदेश कुमार महतो जी, विनोद सिंह जी, अंबा प्रसाद जी, आदरणीय सरयू राय जी, विरंचिर नारायण जी, अमर कुमार बावरी जी, भानु जी, बन्ना गुप्ता जी, बंधु तिर्की जी, अमित यादव जी, सभी साथियों ने अपनी बातों को रखा है। कोशिश करूंगा कि सभी की बातों को मैं पारी पारी से जवाब भी दे दूं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, ये बात सही है, सभी लोगों ने इस बात को माना, कमोवेश कुछ एक को छोड़कर, कि जो हमने सरकार महागठबंधन की दल को जब बहुमत आई तो हमने कुछ समाचार पत्रों में ये कहा कि हम लोग श्वेत पत्र जारी करेंगे, और माने सभी साथियों ने भी इस बात की सहमति भी जताई कि श्वेत पत्र जारी होना चाहिए और बृहद पैमाने पर ही होना चाहिए, विभागवार भी होना चाहिए कि अभी हालात क्या है। कई लोगों ने मौजूदा अर्थव्यवस्था हो, बिजली व्यवस्था हो या और भी विभागीय व्यवस्था पर चिंता भी जताई है, और ये बात सही है अध्यक्ष महोदय कि एक तरफ पूरे राज्य और इस सदन की आशाएं हैं, काफी आकांक्षाएं हैं, और एक अव्यवस्था का पूरा माहौल है दूसरी तरफ, और इसी में से एक रास्ता जरूर निकालेगी ये सरकार। लोगों ने अपने बहुमत के बल पर दिया है, ना करके ये खरीद फरोख्त करके बनाई गई है हमारी सरकार है, और ईवीएम पे तो अभी भी सवाल है, उसको तो अभी भी बैलेट में आना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। हमने तो कहा है ईवीएम में भी पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, और कई चुनौतियां हमारे सामने है अध्यक्ष महोदय, और अध्यक्ष महोदय आज ये सदन है अध्यक्ष महोदय, और जो चुनौती सभी लोगों ने कहा कि सरकार के समक्ष कई चुनौतियां हैं, ये बात सही है, चुनौती है और हम लोगों ने इसको स्वीकार किया है, और ये सरकार के लिए चुनौती नहीं बल्कि सदन के लिए भी ये चुनौती है। आज शायद सत्ता पक्ष के लोग आज विपक्ष में इसीलिए चले गए, हम सभी लोग कहीं ना कहीं विगत 5 साल जिस तरीके से व्यवस्थाएं चली, उस व्यवस्था और उस 5 साल का संक्रमण काल कहा जा सकता है, इसका नतीजा आज सत्ता पलट का दृश्य दिख रहा है। यह निबंध अध्यक्ष महोदय, कई साथियों ने कहा कि हमने मुख्य सचिव को कुछ पत्र लिखा है, उनको आदेश दिया है कि यहां पर जो लंबित भुगतान है उसको रोक लगाने के लिए, हाँ किन्हीं कारणों से लगाया गया है, क्योंकि अनुपूरक बजट भी आना था, और जिस आशा और आकांक्षाओं के साथ लोगों ने हमें सत्ता सौंपा है उनके अनुरूप हमें हर कदम उठाने थे, और समय अवधि आने के बाद भी आपको पता चलेगा कि ये सारे आदेश किस लिए आ रहे हैं, क्योंकि आप सभी विद्वान लोग हैं और आप लोग को भी कई माध्यमों से सभी चीजें आपके जानकारी में आएगा। नहीं नहीं आ रहा, मेरा यहाँ नहीं मिल रहा। तो अध्यक्ष महोदय,
आपने देखा इस बजट में अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने 4,210 करोड़ 8 लाख रुपए का अनुपूरक बजट हम लोगों ने प्रस्तुत किया है, सदन में रखा है। इस द्वितीय अनुपूरक प्रस्ताव में विभिन्न विभागों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने विभिन्न प्रकार के अनुबंध कर्मी जैसे आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, विभिन्न श्रेणियों के पेंशन भोगी, सभी प्रकार के छात्रवृत्ति, पारा शिक्षक एवं मदरसा शिक्षकों की लंबित भुगतान के लिए हमारे कैबिनेट की पहली बैठक में यह निर्णय लिया गया था अध्यक्ष महोदय, और जिन्हें पूरा करने के लिए इस अनुपूरक में आवश्यक प्रावधान किए जा रहे हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ये द्वितीय अनुपूरक प्रस्ताव तैयार है अध्यक्ष महोदय, और ये 4,208 करोड़ रुपये में अध्यक्ष महोदय जिसका बाइफरकेशन इस तरीके से है कि इस अनुपूरक में स्थापना व्यय में 1,416 करोड़ 70 लाख रुपए तथा स्कीमों के लिए 2,793.31 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है अध्यक्ष महोदय। प्रस्तावित राशि के विरुद्ध में जो सिलेंडर की राशि है अध्यक्ष महोदय, लगभग 2,980 करोड़ 1 लाख तथा भारत सरकार द्वारा 585 करोड़ 20 लाख रुपए प्राप्त होनी है अध्यक्ष महोदय। इस प्रस्तावित अनुपूरक व्यय विवरणी के फलस्वरूप राजकोष में मात्र 1,388 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा अध्यक्ष महोदय। अनुपूरक अंतर्गत किए जा रहे महत्वपूर्ण उपलब्धि उपबंधों का उल्लेख मैं थोड़ा करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, जिसकी चिंताएं पूरे सदन को है, जैसे बाल विकास, महिला एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग अंतर्गत आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को मानदेय हेतु 14,87 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है अध्यक्ष महोदय। दूसरा अध्यक्ष महोदय, राज्य में वृद्धा पेंशन योजना, आदिम जनजाति पेंशन योजना एवं अन्य पेंशन योजना के लिए लगभग 533 करोड़ 58 लाख रुपए का प्रावधान किया जा रहा है अध्यक्ष महोदय। मातृ वंदना योजना एवं अन्य योजना हेतु लगभग 86 करोड़ 74 लाख रुपए का प्रावधान किया जा रहा है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार के प्रथम मंत्री परिषद की बैठक का निर्णय के अनुरूप पारा शिक्षकों के बकाए मानदेय के भुगतान एवं अन्य मदों में कुल 71.25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है अध्यक्ष महोदय। सभी पारा शिक्षकों की चिंता है, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका और अध्यक्ष महोदय कई जो निचले स्तर के कर्मचारी हैं, चाहे वो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हो या हमारे शिक्षक में पारा शिक्षक हो, चाहे मदरसा के, इनको कई महीनों से सरकार ने तनख्वाह नहीं दिए, और अखबारों में आपने कई बार पढ़ा भी होगा पैसे के अभाव में पारा शिक्षक इलाज नहीं करा पाया, उसकी जाने चली गई। हम लोगों ने पहले आकर इस बात को निर्णय लिया है कि सरकार ने जिससे भी काम कराया है, कोई भी कर्मचारी हो जिनके भी लंबित भुगतान है, उसको अविलंब सबसे पहले भुगतान किया जाए, उसके पश्चात भुगतान। और इसके लिए अध्यक्ष महोदय, इधर अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत आवासीय विद्यालय के संचालन हेतु विशेष केंद्रीय सहायता के अंतर्गत विशेष अंगीभूत योजना छात्रवृत्ति अन्य हेतु कुल 50 करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, विद्युत उपभोक्ताओं को टैरिफ सब्सिडी एवं अन्य मद में 355.57 करोड़ रुपये तथा डीवीसी और टीवीएनएल का बकाया भुगतान हेतु 2
200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। देखो,